PUBG का अर्ली एक्सेस हमें मिल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो 99% डाउनलोड भी हो चुकी है ये गेम और अभी हम ये गेम खेलने वाले हैं। सो हे गाइस, व्हाट इज अप। सो गाइस, आ चुकी है PUBG मोबाइल इंडिया वर्ल्ड ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नई सी। गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को प्ले, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ चुकी है हम सभी के लिए। हर किसी के लिए उपलब्ध तो नहीं हुई फिलहाल, हर किसी के लिए नहीं आई, अर्ली एक्सेस आ चुकी है कुछ कुछ लोगों के लिए, जिसमें कि मैं भी एक ही हूँ। देख सकते हो गाइस, ये इंस्टॉलिंग हो रही है फिलहाल नाउ, मतलब क्या टाइमिंग है यार, बस ये इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम इसे खेलने वाले हैं अपने स्मार्टफोन में। सो गाइज, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये रहा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और आज हम इसे खेलने वाले हैं। तो गाइज, आप लोगों को भी जल्दी मिल जाएगी ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, पर गाइज मुझे अभी मिल चुकी है तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊँ यार, तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँगा बहुत तगड़े वाले से। और गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि अगर आपको भी देखनी है कैसी होती है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अंदर से, या फिर कैसी होती है इसकी फीचर्स, क्या इसमें कुछ चेंजिंग आती है, क्या इसके मैप में चेंज आती है, या फिर क्या गेम में सेटिंग्स में चेंज आती है, तो गाइज देखेंगे इसमें। और साथ ही में कुछ ग्लिच भी देखेंगे कि क्या इसमें क्या सब ग्लिच भी भरी पड़ी है। तो चलिए गाइस, एक नज़र इस गेम के ऊपर मार लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को दिखाते हैं इसका गेम का रिव्यू करने वाले हैं गाइस, क्योंकि हमें अर्ली एक्सेस मिला है, हम एक टेस्टर हैं फिलहाल, तो हम एक टेस्ट करेंगे और बताएंगे अपनी हॉनेस्ट रिव्यू कि कैसी आखिर गेम एक टेस्टर के हिसाब से कैसी हो सकती है, आखिर कैसी रहेगी हमारे लिए। और गाइस, सबसे बड़ी बात की ये स्मार्टफोन 2GB रैम तक, मतलब 2GB रैम तक ये गेम चल सकती है, इसका 2GB रैम है, तो मैं इसमें खेलने वाला, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी सी चलेगी, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, जैसे पहले हमारी दिखती थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का झंडा यहाँ पर लहराया गया है, इसके चारों तरफ से बीच में वाइट कलर की दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे गाइस और हमारा गेम जो है गाइस वो हो जाएगा ओपन, जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है ओपन कितने अच्छे से गाइस। फिलहाल तो अभी ब्लैंक की स्क्रीन, थोड़ी समय लगेगी ओपन होने में, क्योंकि मैं पहली बार से खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इसे पहले खेला। यहाँ पर देखते क्राफ्टन का लोगो काफ़ी तगड़ा सा लगा है, काफ़ी अच्छी सी दी गई है, पहले यहाँ पर टेंसेंट और साथ में वहाँ पर साइड में लिखा जाता था क्राफ्टन। तो यहाँ पर आपको बैटल मोबाइल इंडिया आपकी स्टोरेज लेगी, तो आपको ये तो ओके करना ही पड़ेगा, ये सब नॉर्मली आपको यहाँ पर स्टोरेज की देनी पड़ेगी। और गाइस बस हो चुका है इसका अलाउमेंट, और यहाँ पे स्टार्टिंग दिख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग लिखी पड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि पहले था वही है, पर गाइस यहाँ पे बस इसका जो है ये फ्रंट चेंज कर देगा, यहाँ पे क्राफ्टन लिख देगा जहाँ पे टेंसेंट लिखा रहता था, और इसके साइड में यहाँ पे एक हैच मार के यहाँ पे कुछ साइड में लिखा रहता था, अब यहाँ पे सिर्फ क्राफ्टन ही लिखा गया है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यहाँ पे कुछ करके आया था, अब देख सकते हो गाइस इसकी इंटरफेस काफी तगड़ी सी कर दी गई है, जैसे कि PUBG PC में होता है गाइस सेम टू सेम, इसमें भी वैसा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेटिंग रिक्वायर 2MB का कुछ अपडेट है, 2.11 या फिर 2.11 MB का अपडेट है यहाँ पे, तो ये आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, ये आपकी नॉर्मली यहाँ पे अपडेट यहाँ पे आपकी जाएगी कितनी तेजी से देख सकते हो गाइस। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटरफेस लगी इसकी, यहाँ पे साइड में बग्गी उड़ रही है, ये बग्गी का ऐसा ही हाल होता है इसमें, तो कुछ होती नहीं, हेल्थ वेल्थ तो बहुत जल्दी चली जाती है। यहाँ पे देखते हो ओके यहाँ पे करना पड़ेगा, सो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो है 379 MB डाउनलोड लेनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिपेयरिंग रिसोर्सेज जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, ये मायने रखती है, आपको करना पड़ेगा वरना आपका गेम नहीं चलने वाला। यहाँ पे देख सकते हो 908 MB मेरे यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, 2GB मेरे को पर डे मिलती है, तो मैं यहाँ पे इसे आराम से डाउनलोड होने देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आखिर हमारी गेम चलती है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे आ चुकी है, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे अगर हम लॉगिन विथ फेसबुक करें तो वो चलेगा, अगर हम लॉगिन विथ कुछ और करें तो वो भी चलेगा, बट यहाँ पे हमें फेसबुक से लॉगिन कर देनी है नॉर्मली। और गाइस आप साउंड सुन सकते हो, आपकी वही वाली साउंड है, इसकी भी सेम साउंड है, साउंड चेंज नहीं हुई है इस बार, सेम साउंड है, यहाँ पे आपको आवाज़ आ ही रही होगी। देखो गाइस, थोड़ा पिंग मेरा हाई जा सकता है क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो 90% चार्ज है, 19%, सो कभी भी मेरा पिंग थोड़ा बहुत हाई जा सकता है क्योंकि बैटरी लो होने के बाद आपको पता है रेडमी के फ़ोन में थोड़े बहुत लैग आते हैं। सो गाइस, अब हमारा ये ओपन हो चुका है सेम टू सेम उसी तरह है जैसे कि पहला था, बस यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिख दिया गया है, पर यहाँ पे सो गाइस मेरे फ्रेंड का फ़ोन जो कि मेरे को पता था करेगा, सो यार अभी मैं उसे कॉल नहीं करने वाला क्योंकि वो भी ये वीडियो देखेगा। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसका ये ट्रेलर है काफ़ी तगड़ा सा, जो कि गाइस मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा अपना ये बढ़ा के। तो गाइस यहाँ पे आते तो ये इसका ट्रेलर ये देख सकते हो, यहाँ पे वार्निंग दी गई है और यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे स्किप करते हैं हम इसे और यहाँ पे हम अपना कैरेक्टर चूज़ कर लेते पहले तो। सो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें मिली जैसे कि रिवॉर्ड मिलती है, तो मेरे को भी ये रिवॉर्ड मिली, ये देख सकते हो न्यू ऐप इज़ फॉर लोकेटेड इन इंडिया ओनली डू यू, तो हम यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि ये भाई हमारे जो है इंडिया के लिए बहुत सही है, तो हम यहाँ पे यस प्लीज़ कंटिन्यू। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ दिया गया, तो यहाँ पे यस प्लीज़ कंटिन्यू, योर डाटा इज़ बीइंग इंपोर्टेड, प्लीज़ वेट। सो भाई हमारा जो डाटा है वो हो रहा है इंपोर्ट, मतलब जो
अकाउंट था, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करें, अकाउंट ट्रांसफ़र डाटा करें या फिर ना करें, हमें फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर हमने डाटा जो है ट्रांसफ़र नहीं किया तो। हमें भाई फ़िलहाल नहीं करनी यार, हम रहने देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा समय फ़िलहाल तो हमारे पास, बट हम अभी नहीं करेंगे। आर यू ओवर 18? यस यहाँ पे, क्योंकि गाइस अगर आप इसे नो करते तो आपकी फिर गेम जो है तो बहुत मतलब 2 घंटे में एंड होती रहेगी, पर हमें यहाँ पे ओवर 18 कर देनी है। यहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिल गए हमें, यहाँ पे इन्वर्टर में जाएंगे, हमें पहले हम यहाँ पे एक मैच खेल लेते हैं गाइस, ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे उसमें। सो यहाँ पे आपको दिखेगा गाइस ये वाला, ये मतलब सिमुलेशन गेम है, रियल गेम पे बेस्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ओके करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग धरे पड़े मिलेंगे, पर यहाँ पे हमें करना है कंट्रोल में जाना है, ग्राफिक्स में नहीं। पहले हम कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे अपने कुछ सेटिंग्स को जो कि हमें चाहिए। सो यहाँ पे कुछ बंदे हैं गाइस, मेरे पैर के निशान आ रहे हैं यहाँ पे मेरे को, ये तो बोट है गाइस। यहाँ पे 2 finishes लिखा रहे हैं गाइस, देख सकते हो यहाँ पे किल जहाँ थी पहली वहाँ पे finishes लिखा रही है, मेरे को ये नहीं पता। यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें जो आ रही हैं, यहाँ पे प्ले जोन भी नया आ रहा है, बाकी बहुत कुछ इसमें नया आ रहा है। भाई ये तो बोट है भाई, मैं बोट से मर गया गाइस। मैंने जैसा कि हमारे में मेरी नेट थोड़ी लैग देगी क्योंकि 16% जा चुकी है मेरी डाटा। सो गेम काफ़ी तगड़ी सी रही गाइस, देख सकते हो यहाँ पे अभी भी चल रही है, तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ पहले क्योंकि बाद में हम इसे खेलेंगे। तो गाइस मैंने जैसा कि कहा गाइस गेम काफ़ी जबरदस्ती यहाँ पे मची पड़ी है और गेम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं फिलहाल तो अभी ब्रोंज पे ही हूँ और मेरे ब्रोंज पे मेरे को अभी जाने में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे, अभी गोल्ड पे फिर कॉन्कर पे बहुत सारे यहाँ पे समय लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको फिनिशेस दिखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे गौर से तो आपको दिखेंगे। सो क्या अगर हम बात कर लें गेम की, तो गेम काफ़ी तगड़ा सा है, क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी सी है, ग्राफिक्स भी काफ़ी मज़ेदार सा है। ग्राफिक्स में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है, सेम ग्राफिक्स थी जैसे थी पहले। यहाँ पे आप लड़की भी घुमा सकते हो चारों तरफ से, पर गाइस गेम काफ़ी तगड़ी सी है, नो प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत मेरे को दिखा कि जब मैं किसी को हिट कर रहा था तो मेरे को एक अच्छा सा इफेक्ट दिखा कि भाई उसके ना शरीर से ना पंख निकल रहे थे, मतलब एक तरह से पंख निकल रहे थे, जैसे कि आप देखते हो बर्ड्स के शरीर से पंख निकलते हैं ना, उसी तरह उसके बंदे से शरीर से भी पंख निकल रहे थे, काफ़ी तगड़ा सा मेरे को इफेक्ट है। बस हाँ थोड़ी सी ये बात है कि अगर कोई बंदा दूर से मारेगा तो पता नहीं लगने वाला कि उसके पंख निकले या नहीं निकले। अगर आप जैसे दूर से मारते देखे तो ब्लड निकलती थी उसकी रेड कलर की, तो दूर से ही दिख जाता था कि हाँ भाई उसे मैंने हिट किया। पर हाँ हो सकता है इसमें थोड़ी सी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ और साथ में इसमें रेड कलर भी कर सकता हूँ। वैसे जो इसमें कलर थी वो कलर काफ़ी तगड़ी सी थी, बाकी इसमें फ्रेंड भी ऐड्स कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि आई थिंक किसी के पास अर्ली एक्सेस नहीं होगा, देखते तो 0 friends। सो गाइस ऑनेस्ट रिव्यू के साथ इस गेम को यही बोलेंगे कि काफ़ी तगड़ी सी गेम बना चुकी है पबजी ने, आ चुकी है हमारी बैटल मोबाइल इंडिया, फिर से नई स्टार्ट करेंगे, नई शुरुआत करेंगे हम बैटल मोबाइल इंडिया के साथ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना था, साथ ही में चैनल को नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना क्योंकि मुझे भी मेरी अर्ली एक्सेस, मैं भी कुछ अलग सा हूँ यूट्यूबर हूँ यार, इसलिए मेरे को भी मिलेगी साथ से। तो तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।